लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है, जब मैं उस गुफा से जिंदा निकला। दुनिया बदल चुकी है और जो हो गया सो हो गया। अब आने वाले कल का सोचो, बीते कल की हार को अब आने वाले कल की जीत बनाना है। जो तुम कह रहे हो वो कहना आसान है, लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। ईद 2024 पर सलमान खान फिर धमाका करने को तैयार। सालों बाद करण जौहर संग मिलाया हाथ। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान हर साल ईद के मौके पर अपने फैंस के लिए एक फिल्म लाते हैं। इस साल उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई है। 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। हालांकि सलमान खान की ये फिल्म दर्शकों को खासा पसंद नहीं आई है। इस बीच एक्टर के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक सलमान ने अगले साल ईद 2024 के लिए अपनी कमर कस ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने एक बार फिर फिल्म मेकर करण जौहर के साथ काम करने का मन बना लिया है। उन्होंने करण जौहर के साथ एक फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। ये फिल्म अगले साल ईद 2024 के मौके पर रिलीज होगी, जिसके जरिए करीब 25 साल बाद सलमान खान और करण जौहर साथ आएंगे। सलमान खान आखिरी बार करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है में नजर आए थे। इस फिल्म में एक्टर सपोर्टिंग रोल में दिखे थे। वही अब 25 साल बाद सलमान एक बार फिर करण जौहर के साथ काम करते दिखाई देने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के लिए डायरेक्टर भी मिल चुका है। इसे अनटाइटल फिल्म को शेरशाह के डायरेक्टर विष्णु वर्धन डायरेक्ट करेंगे। हालांकि अब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया गया है। बता दें कि सलमान खान की ये अनटाइटल फिल्म ईद 2024 के मौके पर रिलीज होगी। इसके बारे में बात करते हुए फिल्म से जुड़े एक सूत्रों ने कहा, मनोरंजन वैल्यू की ध्यान में रखते हुए विष्णुवर्धन से बेहतर कौन हो सकता है। उन्होंने न केवल शेरशाह का निर्देशन किया है, बल्कि साउथ इंडस्ट्री में भी कई धमाकेदार फिल्में कर चुकी है। फिलहाल सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो जसराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म टाइगर 3 में नजर आएंगे। ये फिल्म टाइगर की सीरीज है, जिसमें शाहरुख खान की कैमियो का नाम भी सामने आ रहा है।